नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार 24 सबसे सामना में। मैं हूं आपके साथ दिलासा। झंझारपुर अनुमंडल के भेजा थाना अंतर्गत भेजा गांव के समीप कोसी नदी पर NHAI के द्वारा बनाए जा रहे देश का सबसे लंबा पुल के लिए बना रहे पिलर के बोरवेल में गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। वहां मौजूद लोगों के माने तो घटना उस समय हुई जब मजदूर निर्माणाधीन पुल के पिलर संख्या 10 पर सेटरिंग का काम कर रहा था। काम के दौरान दुर्भाग्यवश उसके सेफ्टी बेल्ट टूट गया, जिसके कारण वह पिलर के बोरवेल में गिर गया। स्थानीय मजदूर और कर्मियों द्वारा उसे बोरवेल से बाहर निकाला गया। आपको बता दें कि जख्मी हालत में उसे इलाज के लिए मधेपुर PHC लाया जा रहा था, जहां पहुंचने से पहले ही रास्ते में उसकी मौत हो गई। मृतक मजदूर की पहचान पंजाब राज्य के जलंधर जिले के निवासी गुरु नाम सिंह के 32 वर्षीय पुत्र कुलदीप सिंह के रूप में हुई है। थाना अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया गया। घटना की सूचना पर CO पंकज कुमार भी अस्पताल पहुँच घटना की पूरी जानकारी ली है। वहीं थाना अध्यक्ष ने कहा, मामले की जांच की जा रही है। सवाल है कि देश के सबसे लंबे पुल निर्माण के दौरान सुरक्षा की क्या मापदंड है? सेफ्टी बेल्ट सिंगल था या डबल था? लोग सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हुआ था यहाँ PHC पे कौन आया? ये कुलदीप सिंह, फादर से नेम है गुरु नाम सिंह, पंजाब के रहने वाले हैं। यहाँ भेजा में जो वर्क हो रहा है भारत माला पुल का, उसे में ये काम करते हैं, है ना। ऊंचाई से गिरे हैं और देख के तत्पर होता है कि सर में चोट लगा है, है ना। और आने में लेट लगता आने हो गया है, इसके कारण निकल लगता है रास्ते ही में। सभी प्रकार की खबरों के लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहे और देखते रहे बिहार 24 सच से सामना।